दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां से उनके करियर का ग्राफ नीचे सरकता जा रहा है। इससे न सिर्फ क्रिकेट की दुनिया के उनके करोड़ों फैंस निराश हैं, बल्कि खुद कोहली भी सन्न हैं। कप्तानी को अलविदा कहने के बाद वो सिर्फ इस बार बल्लेबाजी पर फोकस करने के लिए IPL में उतरे थे, लेकिन अब तक कुछ भी बदला हुआ नजर नहीं आया। वो अपनी लय हासिल करने के लिए लगातार जूझते दिख रहे हैं। एक वो भी दौर था जब विराट का विकेट हासिल करना किसी गेंदबाज का सपना होता था, लेकिन अब विराट जिस तरीके से अपना विकेट गंवा रहे हैं उसे देख वो भी खुद पर हंसते नजर आते हैं। तभी तो पूर्व कैरेबियाई क्रिकेटर और कमेंटेटर इयान बिशप को कहना पड़ा कि अलग अलग तरह के गेंदबाज उन्हें आउट कर रहे हैं, वो गेंदबाजों पर हावी नहीं हो पा रहे हैं। इतना ही नहीं, कोहली स्पिनरों के खिलाफ संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। बिशप ने इतना तक कह डाला कि शुरुआती 10-15 रनों की पारी के दौरान वो गेंद के बराबर रन नहीं बना पा रहे और वो ऐसा करने की ललक भी नहीं दिखा रहे। उन्होंने साफ कहा कि पारी की शुरुआत में इतनी गेंद खेलने के बाद आप तेज़ी से रन नहीं बना पाते हैं, तो आपको अपनी पारी लंबी खींचनी होगी। अगर आप लंबी पारी नहीं खेलते तो ये टीम के लिए मुश्किल स्थिति होगी। सच्चाई ये भी है कि पिछले IPL में विराट के साथ ऐसा ही हो रहा था, वो महज 28.92 की औसत से रन बना रहे थे। इस बार विराट कोहली का औसत मात्र 22 का रहा। इस सीजन में 14 मैचों में उन्होंने 400 के करीब रन बनाए, जिसमें महज 2 अर्धशतक शामिल। और तो और, इस दौरान उन्होंने 3 बार पहली ही गेंद पर अपना विकेट खो दिया। IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विराट इस बार उम्मीदें जगा तो रहे हैं, मगर मारक फॉर्म हासिल नहीं कर पा रहे, जिसके लिए वो फेमस हैं। क्योंकि वो विराट कोहली हैं इसलिए उनका स्टैंडर्ड भी हाई है। IPL 2022 में उनकी पारियों से ऐसा साबित होता है कि विराट का आत्मविश्वास उनके साथ नहीं है। इतने फिट माने जाने वाले विराट 2 बार रनआउट भी हो चुके हैं। विराट ज़रूर एक संकल्प के साथ मैदान पर उतरे होंगे कि वो इस बार RCB को चैंपियन बनाकर ही दम लेंगे। लोगों को लगा कि RCB प्लेऑफ में पहुंची है तो RCB इस बार अपना रास्ता खुद बना लेगी, लेकिन उनका बल्ला इसी तरह टीम को दबाव में लाता गया और RCB प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि विराट को लंबे ब्रेक पर जाना चाहिए, लेकिन एक बड़े क्रिकेटर के लिए बीच IPL से खुद को वापस ले लेना उतना आसान नहीं। विराट IPL तो खेल चुके हैं, हालांकि वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में भी नहीं होंगे। विराट जैसे जुझारू खिलाड़ी के लिए अच्छा तो ये होगा कि वो पिच पर कारनामा कर दिखाएं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। BCCI सूत्रों की माने तो विराट से पूछा गया है कि वो IPL के बाद ही शुरू होने वाली दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो उपलब्ध नहीं रहेंगे। ऐसे में विराट कोहली ब्रेक में, टीम इंडिया में बने रहने के लिए उन्हें अपने पुराने प्रदर्शन को दोबारा जिंदा रखने की ज़रूरत है। अब देखिए, अगर कोरोना काल नहीं होता तो हम एक अलग स्टैंडर्ड की बात करते, लेकिन अब कोविड काल के बाद बायोसिक्योर इन्वायरमेंट के बाद भारतीय टीम में ऐसे खिलाड़ी आ गए हैं कि अगर आप सही तरीके से टीम बनाना चाहें तो आपको भारत की 4 से 5 टीमें बनानी पड़ेंगी। सच तो यह है कि IPL के पहले से ही विराट का लचर फॉर्म उनके फैंस को परेशान करता नजर आ रहा है। अब इस साल T20 वर्ल्ड कप भी है, उससे पहले विराट कोहली की फॉर्म में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो भारत के इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी नंबर 3 की पोजीशन पर खेलते हैं और वो मैच निकाल भी सकते हैं। विराट की फॉर्म में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी क्या राय है विराट की फॉर्म को लेके, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बताइएगा। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।